हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप घर पे बैठ के अपने हाथों से खुद से कैसे इंस्टेंट ग्लो पा सकते हैं, फेस को टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ बनाना, हाफ लेमन और 2 स्पून हनी, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप मिक्स करने के लिए अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अच्छे से आप मिक्स कर लेना। पतला सा पेस्ट बना लीजिएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फेस थोड़ा डल हो गया है, डार्क सर्कल आ गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं लगा ही रही हूँ तो क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूँ। और ये हफ्ते में 1 या 2 बार आप लगा सकते हैं, और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने एक बार इसको लगा दिया ना, जो आफ्टर रिज़ल्ट आता है, आप इसको बार बार यूज़ करोगे। इससे हमारा फेस टाइट हो जाता है और बहुत ही अच्छा ग्लो भी करता है। तो मैं इसे अपने फेस पे पहले अच्छे से लगा लूँगी, पहले फेस पे लगाऊँगी, उसके बाद मैं नेक एरिया को भी कवर कर लूँगी। जब भी आप अपने फेस को मसाज करें तो ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएं हाथ को, एंड आप देख सकते हैं मैंने अपने गालों को फुला रखा है, इससे अच्छे से मसाज होता है। अपने पूरे फेस को अच्छे से मसाज कीजिए, 15-20 मिनट लीजिए आराम से, घर पे रिलैक्स होके कीजिए। ये ना हनी और बनाना से ना थोड़ा पतला हो जाता है, तो ये बार बार गिरेगा, लेकिन इसके लिए आप कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट आता है ना, तो रिज़ल्ट देखने के बाद इस पैक को आप बार बार लगाना पसंद करेंगे। केमिकल लगाने से अच्छा है या पार्लर जाने से अच्छा है कि आप घर पे ही रह के अपने घर में जो चीज़ें पड़ी हैं उसका यूज़ करें। एंड आप ना बनाना के जगह कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी लेमन एंड हनी, उसका पेस्ट बनाइए और अपने फेस पे लगाइए, वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। आप हफ्ते में एक बार बनाना लेमन हनी यूज़ कर सकते हैं, एक बार कॉफ़ी लेमन और हनी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को अच्छे से मसाज कर लिया है, एंड पूरा 15-20 मिनट लेना है अच्छे से, उसके बाद नेक को भी कवर करना है। मेरे कहने पे पक्का आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, एंड मुझे कमेंट करके आप प्लीज़ बताना। आप देख सकते हो मेरे फेस से डल जो डलनेस था वो हट चुका है एंड ब्राइट कर रहा है। इस ना इसको मसाज करने के बाद मैं फेस पैक जैसे लगाते हैं वैसे मैं अपने फेस पे रख लूँगी 5 या 10 मिनट। जब ये ड्राई हो जाएगा, हल्का हल्का सूख जाएगा, पूरा ड्राई नहीं करना है, हल्का हल्का सूख जाएगा, तब इसे हम नॉर्मल वाटर से धो लेंगे, और धोने के बाद ना कुछ भी नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर आपका फेस ड्राई, वैसे तो ड्राई नहीं होता है, लेकिन बहुत लोगों की ड्राई स्किन होती है, अगर ड्राई होगा तो आप कोई क्रीम नहीं लगाना। आपके घर में अगर एलोवेरा जेल होगा किसी भी ब्रांड का, या नॉर्मल एलोवेरा जेल आप अपने फेस पर लगा लीजिए, उसके बाद जो ग्लो आता है ना, आप इसे बार बार यूज़ करने लगेंगे। सो आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसे 5 या 10 मिनट छोड़ दूँगी, उसके बाद अपने फेस को नॉर्मल वाटर से धो लूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके आप मुझे बताइए, यूज़ करने के बाद भी मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा आइडिया, और आपको अच्छा रिजल्ट मिला या नहीं मिला, वो भी आप मुझे बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।